आचार्य कृप और द्रोण की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, विराट कुमार ने रथ बढ़ाकर कृपाचार्य की प्रदक्षिणा की और फिर उनके सामने उसे ले जाकर खड़ा कर दिया। तदनंतर अर्जुन ने अपना नाम बताकर परिचय दिया और देवदत्त नामक बड़े भारी शंख को जोर से बजाया। उससे इतनी ऊंची आवाज हुई मानो पर्वत फट रहा हो। वह शंखनाद आकाश में गूंज उठा और उससे जो प्रतिध्वनि हुई वह वज्रपात के समान जान पड़ी। युद्धार्थी महारथी कृपाचार्य ने भी अर्जुन पर कुपित होकर अपना शंख जोर से बजाया। उसका शब्द तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। फिर उन्होंने अपना महान धनुष हाथ में ले उसकी टंकार की और अर्जुन के ऊपर 10,000 बाणों की वर्षा करके विकट गर्जना की। तब अर्जुन ने भल्ल नामक तीखा बाण मारकर कृपाचार्य का धनुष और हस्त त्राण काट दिया और कवच के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु उनके शरीर को तनिक भी कलेश नहीं पहुंचाया। कृपाचार्य ने दूसरा धनुष उठाया पर अर्जुन ने उसे भी काट दिया। इस प्रकार जब कृपाचार्य के कई धनुष काट डाले तो उन्होंने प्रज्वलित वज्र के समान दमकती हुई एक शक्ति अर्जुन के ऊपर फेंकी। आकाश से उल्का के समान अपने ऊपर आती हुई उस शक्ति को अर्जुन ने 10 बाण मारकर काट डाला। फिर एक बाण से कृपाचार्य के रथ का जुआ काट दिया, 4 बाणों से चारों घोड़े मार दिए और छठे बाण से सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर कृपाचार्य हाथ में गदा लेकर कूद पड़े और उसे अर्जुन के ऊपर फेंका। यद्यपि कृपाचार्य ने उस गदा को बहुत संभलकर चलाया था तो भी अर्जुन ने बाण मारकर उसे उल्टे लौटा दिया। तब कृपाचार्य की सहायता करने वाले योद्धा कुंती नंदन को चारों ओर से घेरकर बाण बरसाने लगे। यह देख विराट कुमार उत्तर ने घोड़ों को वामावर्त घुमाया और यमक नामक मंडल बनाकर शत्रुओं की गति रोक दी। तब वे रथहीन कृपाचार्य को साथ ले अर्जुन के निकट से भाग गए। जब कृपाचार्य रणभूमि से हटा लिए गए तो लाल घोड़ों वाले रथ पर बैठे हुए आचार्य द्रोण धनुष बाण से सुसज्जित हो अर्जुन के ऊपर चढ़ आए। दोनों ही अस्त्र विद्या के पूर्ण ज्ञाता, धैर्यवान और महान बलवान थे। दोनों ही युद्ध में पराजित होने वाले नहीं थे। इन दोनों गुरु शिष्यों की आपस में मुठभेड़ होते देख भरत वंशियों की वह विशाल सेना बारंबार कांपने लगी। महारथी अर्जुन अपना रथ द्रोणाचार्य के पास ले गया और अत्यंत हर्ष में भरकर मुस्कुराते हुए उसने गुरु को प्रणाम करके कहा, युद्ध में सदा ही विजय पाने वाले गुरुदेव, हम लोग आज तक तो वन में भटकते रहे हैं, अब शत्रुओं से बदला लेना चाहते हैं। आपको हम लोगों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जब तक आप मुझ पर प्रहार नहीं करेंगे मैं भी आप पर अस्त्र नहीं छोड़ूंगा, ऐसा मैंने निश्चय कर लिया है, इसलिए पहले आप ही मुझ पर प्रहार करें। तब आचार्य द्रोण ने अर्जुन को लक्ष्य करके 21 बाण मारे। वे बाण अभी पहुंचने भी नहीं पाए थे कि अर्जुन ने बीच में ही काट डाले। इसके बाद उन्होंने अर्जुन के रथ पर 1,000 बाणों की वर्षा करते हुए अपना अद्भुत हस्त लाघव दिखलाया। इस प्रकार दोनों ही दोनों पर समान भाव से बाण वर्षा करने लगे। दोनों ही विख्यात पराक्रमी और अत्यंत तेजस्वी थे। दोनों का वेग वायु के समान तीव्र था और दोनों ही दिव्य अस्त्रों का प्रयोग जानते थे। अतः बाणों की झड़ी लगाते हुए वे वहां खड़े हुए राजाओं को मोहित करने लगे। युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए वीर विस्मय के साथ कहते थे, भला अर्जुन के सिवा दूसरा कौन है जो युद्ध में द्रोणाचार्य का सामना कर सके? क्षत्रिय का धर्म भी कितना कठोर है जिसके कारण अर्जुन को गुरु के साथ लड़ना पड़ रहा है। द्रोणाचार्य, इंद्र,
वायवे और अग्नय आदि जो जो अस्त्र अर्जुन पर छोड़ते थे, उन सबको वह दिव्य अस्त्रों के द्वारा नष्ट कर देता था। आकाशचारी देवता आचार्य द्रोण की प्रशंसा करते हुए कहते, सब दैत्यों और देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाले प्रबल प्रतापी अर्जुन के साथ जो द्रोणाचार्य ने युद्ध किया, यह बड़ा ही दुष्कर कार्य है। अर्जुन को युद्ध कला की अच्छी शिक्षा मिली थी, वह निशाना मारने में कभी चूकता नहीं था। उसके हाथ में बड़ी फुर्ती थी और वह दूर तक अपने बाण फेंकता था। यह सब देखकर आचार्य द्रोण को भी बड़ा विस्मय होता। गांडीव धनुष को ऊपर उठाकर अमर्ष में भरा हुआ अर्जुन जब दोनों हाथों से खींचता, उस समय टिड्डियों के समान बाणों की वर्षा से आकाश छा जाता और देखने वाले आश्चर्य में पड़कर धन्य धन्य कहकर उसकी सराहना करने लगते थे। जब आचार्य के रथ के पास लाखों बाणों की वर्षा होने लगी और वे रथ सहित ढक गए, तब उस सेना में बड़ा हाहाकार मच गया। द्रोणाचार्य के रथ की ध्वजा कट गई थी, कवच के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और उनका शरीर भी बाणों से क्षत विक्षत हो रहा था। अतः वे जरा सा मौका मिलते ही अपने शीघ्रगामी घोड़ों को हांक कर तुरंत रणभूमि से बाहर हो गए। अर्जुन के साथ अश्वथामा और कर्ण का युद्ध तथा उनकी पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर अश्वथामा ने अर्जुन के ऊपर धावा किया, जैसे मेघ पानी बरसाता है, उसी प्रकार उसके धनुष से बाणों की वृष्टि होने लगी। उसका वेग वायु के समान प्रचंड था, तो भी अर्जुन ने सामना करके उसे रोक दिया और उसके घोड़ों को अपने बाणों से मारकर अधमरा कर दिया। घायल हो जाने के कारण उन्हें दिशा का भान न रहा। महाबली अश्वथामा ने भी अर्जुन की जरा सी असावधानी देख एक बाण मारा और उसके धनुष की प्रत्यंचा काट दी। उसके इस अलौकिक कर्म को देखकर देवताओं ने प्रशंसा की और द्रोण, भीष्म, कर्ण तथा कृपाचार्य ने भी साधुवाद किया। तत्पश्चात अश्वथामा ने अपना श्रेष्ठ धनुष तान कर अर्जुन की छाती में कई बाण मारे। अर्जुन खिलखिलाकर हंस पड़ा और उसने गांडीव को बलपूर्वक झुकाकर तुरंत ही उस पर नई प्रत्यंचा चढ़ा दी। फिर उन दोनों में रोमांचकारी युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ही शूरवीर थे, इसलिए अपने सर्पाकार प्रज्वलित बाणों से वे एक दूसरे पर चोट करने लगे। महात्मा अर्जुन के पास दो दिव्य तरकस थे, जिसमें कभी बाणों की कमी नहीं होती थी, इसलिए वह युद्ध में पर्वत के समान अचल था। इधर अश्वथामा जल्दी-जल्दी प्रहार कर रहा था, इसलिए उसके सारे बाण समाप्त हो गए। अतः उसकी अपेक्षा अर्जुन का जोर अधिक रहा। यह देखकर कर्ण ने अपने धनुष की टंकार की। उसकी आवाज सुनकर अर्जुन ने जब उधर देखा, तो कर्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी। देखते ही अर्जुन क्रोध में भर गया और कर्ण को मार डालने की इच्छा से आंखें फाड़-फाड़ कर उसकी ओर देखने लगा। फिर अश्वथामा को छोड़कर उसने सहसा कर्ण पर धावा किया और निकट जाकर कहा, कर्ण, तू सभा में जो बहुत डींग हांकता था कि युद्ध में मेरे समान कोई है ही नहीं, उससे सत्य करके दिखाने का आज यह अवसर प्राप्त हुआ है। मुझसे मुकाबला हुए बिना ही जो तू बड़ी-बड़ी बातें बना चुका है, आज इन कौरवों के बीच मेरे साथ युद्ध करके उसको सत्य सिद्ध कर। याद है, सभा के बीच में दुष्ट लोग द्रौपदी को कष्ट पहुंचा रहे थे और तू तमाशा देख रहा था। आज उस अन्याय का फल भोग। उन दिनों धर्म के बंधन में बंधे रहने के कारण मैंने सब कुछ सहन कर लिया था, किंतु आज उस क्रोध का फल इस युद्ध में मेरी विजय के रूप में तू देख। कर्ण ने कहा, अर्जुन, तू जो कहता है उसे करके दिखा। बातें बहुत बढ़-बढ़ कर बनाता है, पर काम जो तूने किया है वह किसी से छिपा नहीं है।
पहले जो कुछ तूने सहन किया है, उसमें तेरी असमर्थता ही कारण थी। हाँ, आज से यदि देखूंगा, तो तेरा पराक्रम भी मान लूंगा, और मुझसे लड़ने की जो तेरी इच्छा है, यह तो अभी-अभी हुई है, पुरानी नहीं जान पड़ती। अच्छा, आज तू मेरे साथ युद्ध कर और मेरा बल भी देख। अर्जुन ने कहा, राधा पुत्र, अभी थोड़ी ही देर हुई, तू मेरे सामने युद्ध से भाग गया था, इसलिए तेरी जान बच गई। केवल तेरा छोटा भाई ही मारा गया। भला तेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य होगा, जो अपने भाई को मरवाकर युद्ध छोड़कर भाग भी जाए और सत्पुरुषों के बीच खड़ा होकर ऐसी बातें भी बनावे। ऐसा कहकर अर्जुन कर्ण के ऊपर कवच को भी छिन्न भिन्न कर देने वाले बाणों का प्रहार करने लगा। कर्ण भी बाणों की वृष्टि करता हुआ मुकाबले में डट गया। अर्जुन ने पृथक पृथक बाण मारकर कर्ण के घोड़ों को बींध डाला, उसका हस्त त्राण काट दिया और भाथे लटकाने की रस्सी भी काट डाली। तब कर्ण ने भी तरकस से तीर निकाले और अर्जुन के हाथों को बींध दिया। इससे उसकी बंधी हुई मुट्ठी खुल गई। तत्पश्चात महाबाहु अर्जुन ने कर्ण के धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर उसने शक्ति का प्रहार किया, किंतु अर्जुन ने बाणों से उसके भी टुकड़े-टुकड़े कर दिए। यह देख कर्ण के अनुगामी योद्धाओं ने एक साथ अर्जुन पर आक्रमण किया, परंतु गांडीव से छूटे हुए बाणों द्वारा वे सब के सब यमलोक के अतिथि हो गए। इसके बाद अर्जुन ने कान तक धनुष खींचकर कई तीखे बाणों से कर्ण के घोड़ों को बींध डाला। घायल हुए घोड़े पृथ्वी पर गिरकर मर गए। फिर अर्जुन ने एक तेजस्वी बाण कर्ण की छाती में मारा। वह बाण कवच को भेद कर उसके शरीर में घुस गया। कर्ण बेहोश हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। भीतर ही भीतर पीड़ा सहता हुआ वह युद्ध छोड़कर उत्तर दिशा की ओर भाग गया। महारथी अर्जुन तथा उत्तर उच्च स्वर से गर्जना करने लगे।